आज हम लोग एक पोएम ले रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये क्लास 7 की है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड। तो जो इस चैप्टर के बारे में पहले हम ब्रीफ बता देते हैं, पोएम का क्या समरी है। ये जो इट वाज रिटन बाय विल्बर डी नेस्बिट, एक पोएट थे, उन्होंने इसको लिखा था। उन्होंने बताया कि अलेक्जेंडर वाज ए ग्रेट एंड बाइटी किंग, बहुत ग्रेट किंग था, एंड हु नो बडी कैन डिफीट, उसको कोई हरा नहीं सकता था। इन द वॉर, जो भी वॉर लड़ते थे उसको कोई नहीं हरा सकता था। एंड ही वॉज ए ब्रेव फाइटर, बहुत ब्रेव फाइटर थे। ही वॉज फियरलेस, कभी भी नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे, मतलब वॉर से स्पेशली। और उनको फाइटिंग करना और वॉर करना इसको अच्छा लगता था। कुछ लाइन्स पोएम में इसी तरह भी आई थी कि वो ही इंजॉयड फाइटिंग द वॉर्स एंड ऑल दोस थिंग, और वो कभी भी हेजिटेट नहीं करते थे वार में जाने के लिए, फाइट करने के लिए। ये पोएम थोड़ी ह्यूमरस भी है, थोड़ी मजाकिया भी है। उसमें किंग ने बोला है कि किंग पोएट ने बोला है कि किंग सैड था क्योंकि उसको कभी पब्लिसिटी मिली नहीं, क्योंकि वो टाइम में मीडिया नहीं था और कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था जिससे वो वर्ल्ड को दिखा सकते कि मैं कितना ग्रेट हूँ। तो इस तरह से पोएम है कि ये थोड़ी सी समरी जैसे मत बताइए। अब हम पोएम को रीड करेंगे। Alexander the Great, who is never satisfied. So Alexander the Great was a victim of fate. वो जो एक विक्टिम था, फेट का मतलब जिसको उसके भाग्य ने ही उसका साथ नहीं दिया। ऑल्दो वो बहुत ग्रेट था, बट फिर भी जब पोएम मजा के वे में बोल रही तो इसलिए बोल रहे हैं ही वॉज ए विक्टिम ऑफ फेट। एंड ही साइड देर वॉज ए नॉट टू डिलाइट हिम, और थोड़ा वो सैड होता था क्योंकि ऐसा कोई जो चीज़ नहीं थी, साई का मतलब सैड होता था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसको डिलाइट करे, जो उसको खुश रखे। वैन ही ब्रेंडिसाइड ही स्वॉर्ड एंड डिफेंटली रोड एंड कुड नॉट गेट ए कंट्री टू फाइट हिम। जब वो अपनी स्वॉर्ड, अपनी जो तलवार को हाथ में लाता था और गुर्राता था, मतलब चिल्लाता था, ऐसा कोई कंट्री नहीं बचा था जो उससे लड़ना चाहता हो। ऑल द आर्मी ही हैड चेज एंड ऑल द लैंड्स लेड टू वेस्ट एंड ही क्लेमर्ड फॉर फर्दर डाइवर्शन। और सारी आर्मीज को उसने चेज किया था, सारी जो उसने जो लैंड जो थी सबकी उसने लैंड को लेके ऐसे ही छोड़ दिया था। एंड वो हमेशा डिमांड करता था और फर्दर आगे फाइट करने के लिए और वार करने के लिए। And our history speaks of his grip on the Greeks and his hammerlock hold on the Persians. तो हमारी हिस्ट्री बोलती है कि उसकी कैसे उसने ग्रीक्स के ऊपर ग्रिप कर लिया था उनको, और hammerlock hold मतलब उनकी आर्म्स लॉक कर दी थी Persians की, तो मतलब सबके ऊपर उसने कब्जा किया था, सबको उनको दबा के रखा था। Though the Gordian knot cut in two in a spot इन इस पैलेस वॉज लेबल्ड ए रेलिक। और उसकी जो गार्डियन नॉट, एक नॉट होती है जो बांधी जाती है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, तो उसने तोड़ दी थी इन स्पॉट में, दो टुकड़ों में, और वो पैलेस में रखी हुई है, लेबल्ड एज रेलिक। रेलिक मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। तो इस तरह से उसके बारे में प्रेस किया जा रहा है इसमें। फिर भी दो Bucephalus में इसका हॉर्स का नेम है, स्टफ्ड एंड गेव हिम फेम ही वॉज हफ्ड। जो ये उसके हॉर्स के बारे में बताया जा रहा है उसको फेम भी दिया था हॉर्स ने इसको, बट ही वॉज हफ्ड। हफ्ड मतलब वो अपनी हाँफने लगता है ना उस तरह का। एंड ही वॉज ग्राउची एंड ग्रम्पी वॉज एलेक, मतलब कंप्लेनिंग करता रहता था, कंप्लेनिंग। एंड द कॉज ऑफ हिज वू ही वुड हैव टू नो, ही वुड हैव यू टू नो। और उसकी परेशानियाँ, उसकी सैडनेस और उसकी सौरव का कारण जो है वो आपको बताना चाहता है। वॉज द फैक्ट दैट ही नेवर वॉज एबल टू कंडक्ट ए बिग स्क्रैप दैट ए वर्सटाइल चैप्ट ऑफ ए वार करस्पॉन्डेंस वुड केबल। और ये फैक्ट है कि वो कभी भी इस चीज़ के एबल नहीं था टू कंडक्ट ए बिग स्क्रैप, मतलब कभी भी एक बड़ी चीज़ नहीं कर पाया, लोगों को बता नहीं पाया, ऑफ ए वॉर करस्पॉन्डेंट वुड केबल, और किसी को ऐसा मैसेज नहीं दे पाया कि उसने कितनी वॉर लड़ी थी और कितना वो फेमस था। इंस्टीड ऑफ बींग क्वाइट ग्लैड ही वुड ग्रो वेरी सैड, खुश होने के बजाय वो
सैड होता था व्हेन ही टोल्ड ऑफ द फेलोज हु वुड फॉट हेम एज ही थॉट ऑफ द लैक ऑफ क्लिकिंग कोडेक इन द हैंड्स ऑफ ए मैन टू स्नैपशॉट हिम। तो ये थोड़ी ह्यूमरस में बोला जा रहा है कि उसको फ़ोटो खींचने के लिए कोई नहीं था, और पहले के ज़माने में फ़ोटोज़ नहीं होती थी। देन वी आर टोल्ड दैट ही वेप्ट एंड इन डॉलफुलनेस क्रैप्ड थ्रू हिज पैलेस द रीज़न इज हिंटेड। ऐसा बोला गया है कि वो सैडनेस के कारण रोता था थ्रू हिज पैलेस एंड रीज़न इज हिंटेड। रीज़न क्या दिया था, देयर वर नॉट एट दैट टाइम मैगजीन फॉर ए डाइम। वो टाइम मैगजीन फॉर डाइम मतलब पैसे में कोई मैगजीन मिलती नहीं थी वहाँ पे। एंड इज आर्टिकल कुड नॉट बी प्रिंटेड, और उसके जो आर्टिकल लिखे हुए तो प्रिंट नहीं किए गए। मतलब वो टाइम में फेमस होने के लिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो लोगों को बता सके। दो इट मे सीम अनकाइंड इर हिज लाइफ वी हैव आउटलिव, और ये थोड़ा अनकाइंड लगता है, इर मतलब बिफोर हिज लाइफ वी हैव आउटलिव वी मस्ट से इन सम वेज ही वॉज हेटफुल, और हम लोग बोलते हैं कि वो कुछ हेटफुल था, ही वॉज हेटफुल। एंड इन ट्रूथ वी हैव हर्ड ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड एंड वॉज नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेटफुल, और सच्चाई ये है कि वो हमने ये सुना है कि अपने वर्ड्स में वो वापस चला जाता था, मतलब अपनी जो कही हुई बातों को पूरा नहीं करता था, और इस वे में वो ग्रेटफुल नहीं था, थैंकफुल नहीं था। तो इस तरह से एक थोड़ी सी ह्यूमरस है, थोड़ी सी इंट्रिकेट टाइप की पोएम है। होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।